हर वर्ष की भांति इस बार भी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के पिता चौधरी मित्रसेन आर्य की याद में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 650 से ज्यादा प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के पिता चौधरी मित्रसेन आर्य की याद में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 650 से ज्यादा प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा यहां पे मुख्य अतिथि के रूप में विशेष तौर से शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सभी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये बच्चे दौड़कर आए, जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का, बेटियों का स्वागत हो। हो गया क्या? हो गया सर। ये बच्चे दौड़ के आए, दौड़ के चले बेटे। उसके बाद का ग्रुप है पांच ज्योति सिंह चौधरी मित्रसेन जी व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी। आज ऐसे महापुरुष की स्मृति में यहाँ खांडा में 2011 में जब चौधरी साहब का शरीर शांत हुआ, उससे पहले जब वो गंगाराम अस्पताल में थे तो कप्तान साहब की उपस्थिति में हमारा उनका कई बार दर्शन हुआ, और जब शरीर शांत हुआ तो संस्कार में भी मैं उपस्थित था। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के पिता चौधरी मित्रसेन आर्य की याद में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको नगद पुरस्कार देकर शिक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। हमारे साथ काफी सारी लड़कियां यहां पे मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि बच्चों को इससे फायदा होगा। जी जरूर, जो इस तरह के जो प्रोग्राम किए जाते हैं उनसे आगे बढ़ने वाले जो भी छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप दे के ये सब कार्य आयोजित किए जाते हैं, जरूर उनको फायदा होगा भविष्य में। क्या लगता है कि इस तरह के जो आयोजन हुए हैं उससे दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए? ये बात बिल्कुल सही कि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जिन माँ बाप के बच्चों को ऐसे ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह में बुलाया जाएगा वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे, जिससे कि उनके बच्चे खुद शिक्षित होंगे और उनके पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर गर्व होगा, ताकि उनके बच्चे हैं जो आगे जा सके, ऐसे ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह में उनका नाम गौरवित कर सके। जी बिल्कुल, उनका नाम गौरवान्वित कर सके। आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे सम्मानित किया गया और कैश भी मिला है 1000 रुपये और एक सर्टिफिकेट और एक मॉडल, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहली बार मिला है इससे मुझे बहुत खुशी है। जी पहली बार बच्चों को पुरस्कार मिले हैं उससे बहुत ज़्यादा खुशी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले भी कभी शिक्षा मंत्री के हाथों सम्मानित होने का मौका मिला है, और नहीं मिला तो अब कैसा लग रहा है? मुझे आज से पहले कभी भी शिक्षा मंत्री के हाथों से सम्मानित होने का मौका नहीं मिला, आज ये पहली बार था जब हमें शिक्षा मंत्री जी ने सम्मानित किया, हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ। जी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जी यहाँ पे कुछ अभिभावक भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि बच्चों को इस तरह से अगर प्रोत्साहित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा जोश आएगा? जी हमें श्री मित्र सेन जी की सभा में जो बच्चों को सम्मानित किया गया, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे ऐसे सम्मान को पाकर भविष्य में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये थे बच्चों के अभिभावक और साथ में ये मेधावी छात्र, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि इस तरह के आयोजनों से एक तरफ जहां बच्चों का मनोबल बढ़ता है, वहीं माँ बाप का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से इस आयोजन से जहां बच्चों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, वहीं जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी ये आर्थिक सहायता मील का पत्थर साबित होगी। हर किसी का यही कहना है कि इस तरह के आयोजन जो कार्यक्रम है, प्रतिभा सम्मान समारोह है, उनका आयोजन होते रहना चाहिए। विशेष सहयोगी रोहित पंचाल व संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।
Yeah.